हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इशिका। एज यू कैन सी, दिस वीडियो इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम माय यूजुअल वीडियोस। हियर इन दिस वीडियो यू विल सी हाउ आई स्पेंड माय वीकेंड डेज, लाइक नॉट सो एस्थेटिक। सो आई शेयर सम जन्माष्टमी क्लिप्स हियर बिकॉज हमारे घर में जन्माष्टमी बहुत अच्छे से होता है। सो येस, होप यू विल इन्जॉय इट। एंड ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो लाइक अ लाइफ स्टाइल व्लॉग। आज ना बेसिकली संडे है एंड आई एम एट होम। एंड जब भी मैं घर पे रहती हूँ आई यूज़ टू फील सो लेज़ी। सो आई थॉट कि चलो एक व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि यू नो ये व्लॉग के चक्कर में ना मैं थोड़ी प्रोडक्टिव बनती हूँ, क्योंकि मैं दिखाती हूँ ना कैमरा में। ऑफ कोर्स मैं आज लाइक 8:38 आठ बजे उठ गई हूँ। एंड 8 बजे उठने के बाद आई ब्रश्ड माई टीथ, इवन आई डेट एक्सरसाइज अब इट, क्योंकि ना मुझे सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में बहुत लेजी फील होता है, बट स्टिल मैंने खुद को पुश किया एंड आई डिड एक्सरसाइज टुडे, वरना मैं हमेशा शाम को एक्सरसाइज करती हूँ। सो या आफ्टर डूइंग माई एक्सरसाइज नाउ आई एम मेकिंग दिस इंट्रो, बट डोंट वरी आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मुझे अपना स्टडी टेबल साफ करना है, बेड साफ करना है, ऑल्सो मुझे अपना कबर्ड भी साफ करना है, क्योंकि कल जन्माष्टमी है। एंड जन्माष्टमी ना हमारे घर में मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, क्योंकि वी हैव गोपाल। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड ये भी एक्साइटेड है, ये ना कैमरा देख कर बहुत सुपर एक्साइटेड हो जाता है, ऐसा गंदा शक्ल बनाता है। सो डू इग्नोर हिम एंड या लेट्स सी व्हाट आई विल डू नेक्स्ट। So at first I will be starting with cleaning my room, which includes my desk cleaning, study table cleaning, wardrobe cleaning, cupboard cleaning and bed cleaning. Tying my hair before starting the work. मैंने अपना बाल भी अच्छे से बांध लिया है ताकि परेशानी ना हो। To be very honest, this was a very random decision of me to making this vlog today, क्योंकि ना मेरा जो वीकेंड होता है ना वो बहुत लेज़ी, लाइक मैं इतना लेज़ी हूँ मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए आई थॉट कि कल वैसे भी जन्माष्टमी है, काम तो करना ही पड़ेगा, तो आई थॉट कि चलो जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ एटलीस्ट मेरा रूम मैं क्लीन करके रखूँ आज। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग अ व्लॉग, नॉट सो एस्थेटिक बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शूट everything that I am doing। And वैसे भी जब भी मैं ना ये टेबल वगैरह साफ़ करती हूँ दो तीन दिन में फिर वो गंदा हो जाता है, तो बहुत मतलब बहुत मोटिवेशन कलेक्ट करके मैं इसको साफ़ करने उठी हूँ। एंड इट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट एक्चुअली टुक अ लॉट ऑफ टाइम, सो येस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कल भी बहुत काम है, तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा काम करके रख रही हूँ ताकि कल ज़्यादा परेशानी ना हो। ऑल्सो आई वॉज लिटरली गेटिंग सो इनसिक्योर टू इवन शूट दिस वीडियो, बट ग्रेट शाउट आउट टू मिताली दी, बिकॉज शी हर वीडियो एक्चुअली मोटिवेट्स मी टू शूट दिस काइंड ऑफ वीडियो। सो या नेक्स्ट अप आई हैड माई ब्रेकफास्ट। एंड ट्रस्ट मी, कॉलेज जाने के समय ना मुझे ब्रेकफास्ट करने का वक्त एकदम नहीं मिलता। या सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, कल खास होने वाला है। ऑल्सो ना कल मंडे है एंड कल हमारा कॉलेज छुट्टी है बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो। एंड आज ना मुझे ट्रस्ट मी मुझे उतना कुछ करने को बिल्कुल नहीं था। अभी आई वॉज थिंकिंग ऑफ स्टडिंग अ बिट एंड आफ्टर स्टडिंग मैं थोड़ा सा डांस करूँगी जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट। ऐसे भी मतलब सैटरडे को आई लिटरली डिड नथिंग, मैं सिर्फ सोती रह गई। एंड ट्यूजडे हमारा एक एग्ज़ाम है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम तो नहीं है बट है एग्जाम है, तो उसके लिए पढ़ना होगा, तो चलो पढ़ने बैठते हैं।
So basically here I was researching about a case that is Mogul Streamship versus MC Gregor Go. We have been taught this case yesterday only. This case is basically based on the law damnum sine injuria, which means damage without injury. And honestly, this case, to be very honest, this case is not that interesting, but still we have to study about it, write about it, the facts, the judgments given by the renowned advocates. And also, yes. This is not it. We have been given a lot of case which falls under the damnum sine injuria and injuria sine damnum, which basically means injury without damages. And trust me, studying about those cases is so hectic because the languages are so typical to understand, but we can't do anything. We have to study. Right now here I was studying for the test which we have on Tuesday, and basically this test is based on the historical school of law, which is again a typical topic. So I thought of PDF, reading the that was given by our professor, and the PDF actually consists of 365 pages. The writing is quite typical, so I thought of making the notes at first, which I am understanding, or the important notes which I should write it down, like note it down. And then I just went on YouTube to understand about what actually historical school of law is based on, like it actually a theory type. So that's why I gave it a read to all of it, and then I went to YouTube just for understanding, because there are major proponents of the historical school, for example Montesquieu, then Savigny, like their view about this historical school of law is quite typical, so I need to understand it. So yes, and I love how she makes us understand about the typical topics of law. So yeah, I am doing that. Hope I will finish it today, because I don't want to pull it for tomorrow, as tomorrow is Janmashtami, and I am sure that I won't get time of studying. So I am trying my level best to complete my studying within today. So yeah, doing my skincare after a long shower, using my moisturizer. Please ignore that dress that is hanging there. ये मेरा uniform है, कल बारिश में भीग गया था इसलिए मम्मी ने इसको अंदर ही सुखाने के लिए दे दिया. I'll be using my minimalist का sunscreen. Lips are from Zudio, and I posted a video of reviewing all the lips. If you haven't saw it, go check it out. So as I said, I went to Zudio a few days back, and these are the lip products that I got my hands on, and give a quick review of this. One is Zudio's Plump, the shade Pretty Pink. Next up is again a Plump lip gloss, and this is a kind of violet shade, like a dark violet shade. So this is how it is looking. Next, again a Plump lip gloss, and this is one of my favorite shade. You know, it, like, the consistency is so thick of this lip gloss. Next up is a lipstick. Now personally, it's one of my favorite product from Zudio, because trust me, this lipstick stays 24 hours and it's basically smudge proof, and the shade is so pretty. I'm in love with this shade. I have the same shades, like 4 or 5 from Zudio. Next up is a lip mousse, and it's got shade violet hai. तो मैं ना दोपहर को लंच करने के बाद सो गई थी, एंड देन आई थॉट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज. बेसिकली मैं इसी टाइम पे ही एक्सरसाइज करती हूँ शाम को, क्योंकि तब मुझे प्रोडक्टिव फील होता है थोड़ा सा. सो यस, एंड देन उसके बाद ना मैं और मम्मी गए थे शॉपिंग करने कल जन्माष्टमी के लिए, एंड वी गॉट सो मेनी प्रिटी थिंग्स एंड ड्रेसेस. Thank you.
सो बेसिकली मुझे आज जल्दी उठना था, बट मैं थोड़ी लेट उठी हूँ और इसीलिए ये डिज़ाइन बनाने में मुझे बहुत बहुत वक्त लग गया था. बट कोई ना, द आउटकम केम सो गुड एंड माई मॉम वॉज सो सेटिस्फाइड विद माई ड्राॅइंग. बीच बीच में मेरा भाई भी मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसको अलग कलर से दूसरे जगह भेज दिया. और बीच में ना मुझे इतनी जोर की भूख लग गई थी, बट फिर भी आई वॉज कंट्रोलिंग माई सेल्फ. तो मैंने 2 घंटे बैठ के इसको कंप्लीट किया और मम्मा पीछे से सब पूछा कि काम कर रही थी. Now let me show you a few clips of bhog making. जस्ट पूजा ख़त्म हुआ एंड अभी भी बहुत काम बाकी है, सबको प्रसाद देना है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. होप यू लाइक इट. इफ़ यू डू सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.